Namaskar, hello everyone. This is me, Pooja, and you are with MotherWorld, the world where is your all exist solution. Today we talk about the very important function that is Counta function, जो कि बहुत ज़्यादा useful होता है. मुझे लगता है इसकी use के बारे में तो मुझे नहीं बताना चाहिए. ये जो data set है उसी में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. Counta function, it counts the number of non-blank cells and yes, we know Counta stands for count all the things. So let us know how to use this. So यहाँ पे डेटा सेट काफ़ी ईजी है, सो दैट आपको ईजीली समझ में आए. बटर, मिल्क, कर्ड, ये तीन ऐसे हैं जो वर्ड्स हैं, मदरवर्ल्ड के प्रोडक्ट्स हैं. एंड प्लस थ्री यहाँ पर क्या है, नंबर्स है. और अब मुझे Counta function यूज करके पता लगाना है कि ओवरऑल कितने हैं. ऑफकोर्स मैंने काउंट करके आपको बता ही दिया है कितने हैं, बट येस, हम Counta function से यूज करके जानते हैं बिकॉज MotherWorld कितने वर्ड्स है उसमें. होप्स आपको वो चाहिए याद हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल्स टू सी ओ यू एन. ओके, सी ओ यू, और यहाँ पे हम लिखा है, क्लिक करेंगे Counta, वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है, वेरी सिंपल. एंड उसके बाद आपको कंट्रोल, यस, क्लोज द ब्रैकेट और क्लोज द पैरेंथेसिस. सिंपली ब्लैंक जैसे ही आ जाए आप हमेशा समझिए कि आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही जा रहा है, और आपको एंटर करना है और लेट अस नो व्हाट इज द रिजल्ट. यस, सिक्स जो है वो आपके वैल्यूज इस समय दिए गए हैं. एंड नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना हो तो येस, कौन काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. होप सो यू लर्न समथिंग न्यू एंड योर लर्निंग वे हाउ टू यूज दिस, इट विल रियली इफेक्ट ऑन दिस. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद MotherWorld. बाय बाय.